नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिज़ाइन। और आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाई 38 फिट का एक घर का नक्शा लेकर आया हूँ। और यह उम्मीद करता हूँ कि यह नक्शा आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस नक्शे का डिज़ाइन मिस्टर राजेश जी के कमेंट्स के आधार पर किया गया है। और उनका यह रिक्वायरमेंट है कि यह जो 30 बाई 38 फिट का नक्शा है, इसमें 4 बेडरूम होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने गेस्ट रूम लिख दिया है, बट वो इसको बेडरूम बनाएंगे। और जो है यह प्लाट पूर्व मुखी प्लाट है और यह 3 तरफ से खुला हुआ है, केवल जो है एक तरफ से ही यह पैक है, मतलब यह नॉर्थ से बंद है, बाकी 3 तरफ से खुला हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें वेंटिलेशन के लिए भरपूर जगह है, चारों तरफ से विंडो दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्लान को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो यह फ्रंट है और ईस्ट फेस है, और यहाँ पर साउथ ईस्ट में किचन बनाया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे गेस्ट रूम दिया गया है और यहाँ पे स्टेप्स लगेगा। और आएंगे हम गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम का साइज़ है 11 फिट बाई 12 फिट 9 इंच का। और इसमें देखिए फर्नीचर का लेआउट करके आपको समझाया गया है। आप चाहें तो फर्नीचर को अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो गेस्ट रूम का साइज़ है उसका साइज़ सेम ही रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे हम हॉल में। और यहाँ पर देखिए ईस्ट में जो है पूजा रूम दिया गया है। पूजा रूम का साइज़ 6 फिट 9 इंच बाई 4 फिट 4 इंच का। और यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट में किचन दिया गया है। किचन का साइज़ है 11 फिट बाई 7 फिट 10 इंच। और यह किचन प्लेटफॉर्म है, और यह जो आप देख रहे हैं यह है गैस चूल्हा। तो जब भी आप घर बनवाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि गैस चूल्हे का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि जब हम भोजन बनाएं तो अपना फेस पूर्व दिशा में हो। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। और फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत बड़ा सा हॉल दिया गया है। हॉल का साइज़ है 17 फिट 1 इंच बाई 17 फिट 11 इंच का, जिसमें ये इंक्लूड है और ये दो टॉयलेट बाथरूम भी इंक्लूड है। और यहाँ पर देखिए सीढ़ी दिया गया है 3 फिट चौड़ा, और इसका घुमाव दाहिने हाथ की तरफ है। ये सीढ़ी 3 फिट चौड़ा है। एक स्टेप जो है वह 10 इंच चौड़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए टीवी का अरेंजमेंट किया गया है। आप चाहें तो एक टीवी यहाँ भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से बढ़ेंगे तो बेडरूम में आएंगे। इस बेडरूम का साइज़ है 11 बाई 13 फिट, और इसमें एक खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पर दूसरा बेडरूम है, इसका साइज़ है 11 बाई 10 फिट। और यहाँ पर देखिए टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट का साइज़ है 6 फिट 9 इंच बाई 6 फिट का। और इसमें देखिए एक WC का अरेंजमेंट करके आपको समझाया गया है। बाकी अरेंजमेंट आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 बाई 10 फिट का एक और बेडरूम दिया गया है, और इसमें भी बेड का लेआउट किया गया है। फ्रेंड्स, हॉल में देखिए एक सेपरेट टॉयलेट और एक बाथरूम दिया गया है। टॉयलेट का साइज़ है 3 बाई 4 फिट, और बाथरूम का है 5 बाई 4 फिट का। और एंट्री के लिए दक्षिण से एक गेट और यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह रहा प्लान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जो है ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये इसमें जो है कॉलम का लेआउट करके आपको समझाया गया है। यदि कॉलम का डिज़ाइन आप चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ज़रूर संपर्क करें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है, यह दक्षिण साइड है। तो यह 3 तरफ से खुला हुआ है, केवल इस तरफ से पैक है, बाकी 3ों तरफ से ज़मीन दिया गया है। तो गेस्ट रूम में यहाँ से विंडो लगेगा, पूजा रूम में सामने से आ जाएगा, किचन में भी सामने से विंडो हो जाएगा। यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया गया है, और यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा, यहाँ पर एक वेंट आ जाएगा, यहाँ पर एक विंडो आएगा। और इधर पीछे से वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है, तो आप विंडो और वेंटिलेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। एक बात और, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।